Reveal the stage. Ladies and gentlemen, आज इस शो में हम बात करने वाले हम सबके अंदर छुपे हुए हीरो की। किसी का हीरो फिल्म के पर्दे पर निकल कर आता है, किसी का हीरो रोड पे आता है, और किसी का घर पे अपनी वाइफ के सामने। बहुत कम लोग होते हैं वैसे, पर एनीवे, वेल आज हम सबके अंदर छुपे हुए हीरो को सलाम और करण जौहर को एक बिग थैंक यू, ताकि उन्होंने मेरे अंदर छुपे हीरो को निकालकर स्क्रीन पे प्रेजेंट किया। लेकिन अब मैं जो प्रेजेंट करने जा रहा हूं, आज सबकी नजर उस पर और सिर्फ उस पर होगी, और वो है हमारे आज की ट्रॉफी। और इस खूबसूरत डिजायरेबल ट्रॉफी की झलक आप तक लेकर आ रहे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डांसर इन अ स्पेक्टेक्युलर एक्ट। जबरदस्त तालियों से स्वागत कीजिए शामक दावर की शिष्य, इंडियन सिनेमा का भविष्य, बॉलीवुड का राजकुमार शाहिद कपूर। वैसे एक बात बताओ, हीरो बनने के बहुत फायदे हैं बॉस। क्या होता है ना, लड़की आपकी दीवानी हो जाती है, वो आपसे शर्मा के, इतला के, बल खा के। अबे ओए लौंडे, कौन है यार? कौन हो आप मैडम? मैं हूँ भोली पंजाबन। क्या बे, कौन सी गलत है? पर तू मुझे पहले बता, बैक स्टेज पे कौन लड़की तेरे लिए बल खा रही थी? हैं भाई, काफी लोग हैं ऐसे जो मेरे से बल खाते, इथलाते, काफी कुछ दिखलाते भी है, पर सॉरी फैमिली शो है तो इस सब के बारे में बात नहीं कर सकते हम। पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस स्टेज पे करने क्या आई है? मैं सलमान खान हूँ यार। क्या? हाँ, यकीन नहीं होता तो शर्ट उतारू। नहीं 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 मैडम, क्या कह रहे हो, मेरे माता पिता शायद आए इधर। चल, मुझे तो सबने पहचान लिया। एक बात बता, तू कौन है? क्या आप मुझे नहीं पहचानती? मुझे, अरे मैं वरुण हूँ, वरुण धवन। ओ राइट, हाँ पहचान गई ना, धवन धवन। बड़ा फेमस बॉन्ड है यार ये। फिर पर तू यहाँ क्या कर रहा है? जाके क्रिकेट खेलना। वो शिखर धवन है, मैं वरुण हूँ, वरुण धवन। मैं एक्टर हूँ, मैं वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का फिल्म का एक्टर हूँ। मैं तेरा हीरो फिल्म का भी, मैं ही हीरो हूँ। लड़कों के हाथ में माइक पकड़ा दो, बावले हो जाते हैं। भाई तू देख ले, डिसाइड कर ले तू है क्या चीज। अभी कह रहा था मैं हीरो हूँ, अभी कह रहा है मैं स्टूडेंट हूँ। आप बताओ, मैं हीरो हूँ, हीरो हूँ। कौन सी फिल्म का हीरो हो रहा है तू? एक ही फिल्म निकली है अब तक स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसका ही खा रहा हूँ अब तक। तू था? हाँ मैं ही था। अरे यार, फिल्म में तो तू आलिया से भी ज्यादा चिकना लग रहा था है? हाँ, वो थोड़ा सा। आपका मतलब क्या है? दिखता अच्छा है तू है, और तेरी ये जो बम है ना, बम में बड़ा है दम। ये मेरा चीक है। अरे फीलिंग तो सेम ही आ रही है। मैं आपका कोई टच फोन विद टच स्क्रीन नहीं हूँ कि आप मुझे बार बार टच किए जा रही है इधर। ये फैमिली शो है पुकरी कैंग की। तेरे भी फीचर्स कुछ कम नहीं है, मन कर रहा है हर एक फीचर टेस्ट करके देख लूं। डर गया। आजा आजा, काम भी करना है। तो लेट्स गेट दिस शो ऑन द रोड। चलिए देखते हैं कि कौन सा है हमारे आज का सबसे पहला कैटेगरी। ये कैटेगरी है न्यू कमर्स का, मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर फीमेल। ओ भाई ला इधर ला। अरे क्या लाओ? अवार्ड? नहीं अवार्ड नहीं, पहले हम लोग ये तो बुला ले अपने प्रेजेंटर्स। एंड द नॉमिनीज आर आइदा अलकाशेफ, शिप ऑफ थीसियस, श्री स्वरा, डी डे, नेक इंसान, वानी कपूर, शुद्ध देसी रोमांस, वो ही आया था भक्त पीछे पीछे, इजाबेल लियट, 16, सच नहीं बोलते, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। एंड द प्रेजेंटर्स आर सुप्रिया पाठक, मिस्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा, मिस्टर राजीव चौरसिया, डायरेक्टर ऑफ कमला बसंत। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर फीमेल गोज टू आइदा एल कशीफ फॉर द शिप ऑफ थीसिस। हाय, आई एम एक्सेप्टिंग द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ माय wonderfully talented actor Aida Alkashyap. She is in Egypt right now, so this is for Aida. Thank you very much.
हमारी अगली कैटेगरी है मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर मेल एंड द नॉमिनीज आर मनीष पॉल सुपरमैन को निकी वायरस चड्डी उतार के कब की फेंक चुका था नीरज काबी शिप ऑफ थीसियस गिरीश कुमार रमैया वस्तावैया मैं वैसा लड़का नहीं हूँ सोना सुशांत सिंह राजपूत काय पोछे दो दिन से कुछ नहीं खाया है भूखे हैं द अवार्ड गोज टू सुशांत सिंह राजपूत और काय पोछे थैंक यू इस साल एक परफॉर्मर ऐसा है जिन्होंने अपनी अदाओं से पूरे बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि औरत के कई रूप होते हैं और एक औरत जो चाहती है वो कर सकती है आया ना उठ पहाड़ के नीचे समझ गया था वो पावर ऑफ द वुमन हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दीपिका पादुकोण नारी में दुर्गा है लक्ष्मी है पार्वती है नारी में दुनिया की हर शक्ति है बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड की ओर वो है द मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यूटेंट डायरेक्टर और द नॉमिनीज आर अजय बहल बीए पास आनंद गांधी शिप ऑफ थीसियस कनन अय्यर एक थी डायन दादू जी प्लीज बताओ ना कौन है ये सब राज पुरोहित 16 Ritesh Batra, The Lunchbox. To call on stage first, Mr. Abhishek Kapoor and Anjana Sukhani to give away these awards. Good evening, everybody. So the most promising debut director goes to one of my favorites, Ritesh Batra for Lunchbox. Thank you so much for this. It's a wonderful honor. A special thank you to my producers, Dar and AKFPL, and also to UTV and Karan Johar for bringing this little film out in such a big way. Thank you. Congratulations. Our next award is the Best Child Artist. Oh, Dhawan, you keep it from my side. It's been a lot for you. And the Best Child Artist Award goes to Japtej Singh for Bhaag Milka Bhaag. First of all, I would like to thank my parents, Rakesh sir, Bharti ma'am and Rajiv sir, my sister, cast and crew of Bhaag Milkha Bhaag, my family and friends. Thank you all of you. Congratulations, man. You were brilliant. Badai. Thank you, Varun and Richa. Chal. Idhar chal. Arey, ruk ja, meri maa. और अब वक्त है आपको आज के शाम के मेगा होस्ट से मिलवाने का ये वो है जिनकी फिल्में देख देख कर मेरी पूरी जेनरेशन ना सिर्फ बड़ी हुई है बल्कि उसने रोमांस करना भी सीखा है एक ऐसे बाजीगर है जिन्होंने एक्शन ड्रामा रोमांस कॉमेडी ट्रेजेडी एक्टिंग के हर इमोशन को रीडिफाइन किया है सो लेट्स हैव ऑन स्टेज किंग खान शाहरुख शाहरुख और फिर मुझे सिगरेट पीने के लोग मना करते हैं ओके वेलकम ऑल टू लाइफ ओके स्क्रीन अवार्ड्स 2014 अवार्ड फंक्शन जो होते हैं उसमें हम अपनी ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं शुक्रिया अदा करते हैं थैंक यू कहते हैं अलग अलग लोगों का जिन्होंने हमें उस साल में एंटरटेन किया है एक्टर्स एक्ट्रेसेस का उनके टैलेंट के लिए प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स का कि अलग अलग विभिन्न किस्म की फिल्में उन्होंने हमारे लिए तैयार की हैं रिस्क लेकर और ऑब्वियसली ऐसे शो के ऑर्गेनाइजर्स का भी मैं बहुत तहे दिल से थैंक यू कहूंगा क्योंकि मुझे बहुत पैसे मिलते हैं जब मैं ये होस्ट करता हूं और आज हमारे पास लाइफ ओके के पास और स्क्रीन के पास बहुत सारे खत आए हैं ऐसे ही थैंक यू कहने के लिए उन लोगों का जिन्होंने 2013 को मेमोरेबल बनाया तो हमारे पोस्टमैन है ये लाइफ ओके स्क्रीन अवार्ड्स के स्पेशल पोस्टमैन है गोपाल जी थैंक यू गोपाल जी मुझे खत आया है बी वी बाला सुब्रमण्यम चिन्ना स्वामी मुथु का चेन्नई से और ये लिखते हैं कि मैं रोहित शेट्टी का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती है
क्योंकि जब मैं स्टार्ट की थी तो मेरे पास एक छोटी सी लुंगी की दुकान थी। और दूसरा लेटर मेरे पास आया है मिसेस हरिंदर कौर का, ये लिखती हैं कि मेरे चिंटू मिंटू सिंह जो बच्चे हैं हमेशा नान और बटर चिकन खा खा के बहुत मोटे हो गए थे, 120 किलो के हो गए थे। ये हैं चिंटू, इनके छोटे से बच्चे हैं। लेकिन इन्होंने फरहान अख्तर और राकेश मेहरा की मिल्खा सिंह देखी तो उससे प्रेरित होकर ये एक्सरसाइज करने लगे और 120 किलो से घटकर ये हो गए 118 किलो। ऑलराइट, लेकिन कोशिश जारी रखेगा हरिंदर कौर जी। और मैं राकेश मेहरा और फरहान अख्तर से दरखास्त करूंगा कि प्लीज यार, इतनी खूबसूरत फिल्म तुमने बनाई है, पार्ट टू तुम्हारे दिल में बनाना हो या ना होना, लेकिन मिसेस हरिंदर कौर के लिए पार्ट टू जल्दी से बना दो कि मिल्खा भागता रहे, कि और भी वेट लूज करें, क्योंकि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म्स। लेट्स हियर इट फॉर भाग मिल्खा मार्क एवरीवन। तीसरा लेटर है रणवीर सिंह के नाम पे। ये लेटर थोड़ा सा गुस्से वाला है। इसमें लिखा है उन्होंने कि रणवीर सिंह जी, आपका गाना ततड़ ततड़ हमें बहुत पसंद आया। हम अवार्ड्स का सिलसिला शुरू करते हैं। अगला अवार्ड है बेस्ट स्टोरी के लिए। एंड टू गिव अवे दिस अवार्ड, आई लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज माय फ्रेंड अतुल अग्निहोत्री एंड माय फ्रेंड दिव्या दत्ता। गुड इवनिंग एवरीवन, इट्स अ प्रिविलेज टू गिव द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टोरी। वेल, द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टोरी गोज टू मोहन सिक्का फॉर बीए पास। I can't believe it. Thank you, Ajay Bal, and all the cast and crew of BA Pass. Thank you, Ajay, for giving my story a vision in the world. Thank you, Mohan Saab, and keep on rocking. And thank you, Atul, and thank you, Divya. अगला अवार्ड है बेस्ट स्क्रीनप्ले का, और इस अवार्ड को देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पे कुणाल खेमू और वाणी कपूर को। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड इवनिंग एवरीवन। सो द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्क्रीनप्ले गोज टू सुरा असरानी फॉर शाहिद फॉर द फिल्म। हमारा अवार्ड फंक्शन जो है, इट इज सेलिब्रेटिंग द हीरोज। व्हेन आई से हीरोज, आई मीन वो लोग जिन्होंने इस साल में एंटरटेनमेंट में ऐसा काम किया, ऐसा जलवा दिखाया कि जिससे हम लोगों को ज्यादा खुशी मिली है। और इस हीरो सीरीज में पहले हीरो को मैं आपके सामने आमंत्रित करने वाला हूं, एक ऐसे सिंगर, एक ऐसे म्यूजिक क्रिएटर डायरेक्टर जिन्होंने पिछले 3 साल में बहुत नाम कमाया है। लेडीज जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू सेंसेशनल सिंगर, द वन एंड ओनली यो सिंह, नहीं, हिज नेम इज यो यो हनी सिंह। प्लीज गिव इट अप फॉर हिम। वेलकम यो यो, गाड़ी भी अच्छी है। ये गाड़ी के साथ ही मिलती है लड़कियां, तो अपने साथ ले घर से लेकर आया। साथ में मिलती है भाई। ओके, एक्चुअली कैसा फील हो रहा है, इतने फेमस हो गए, सब कुछ इतना चल रहा है, हाउ डू यू फील नाउ? बातें यूं हैं कि अपने पे मुझे गालिब सा गुमान है, गालिब की तरह मैं भी कर्जे में हूँ, मेरा भी किराए का मकान है। ओहो, इसकी एक प्रॉब्लम है। जब मुझे पहली बार यो यो मिला था तो सबने मुझे बोला इसके जो लिरिक्स हैं थोड़े रिस्क हैं, थोड़े से डेंजरस हैं, अजीब सी बातें करता है, लेकिन इसके दिल में अपनी माँ की बहुत जगह है। सब इसने मुझसे यो 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 क्रैक हेड ये सब बोलने के बाद बोला मेरी मम्मी से एक मिनट बात कर लो प्लीज। और दूसरी इसकी जो बुरी आदत है, इससे सीधी बात करो ये सीधा जवाब नहीं दे सकता, हर बात रैप में करता है। तुम ऐसे क्यों करते हो यार? भाई मेरी तो एक ही आदत गंदी, जब भी मुंह खोलता हूँ बन जाती है जुगलबंदी। ये देखो, मुझे बताओ, जब आदमी रैपर बनना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, एक्टर, तो पेरेंट्स को अजीब सा लगता है, वो समझते हैं यार कभी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। मैंने सुना तुम्हारे डैडी जी चाहते थे तुम डॉक्टर बन जाओ, आई स्पेशलिस्ट बन जाओ। जी भाई मैं बन गया था, मैं कंपाउंडर बन गया था। कंपाउंडर बन गया था जी। तो क्या हुआ? बस पहली पेशेंट आई एक दिन, तो क्या हुआ? Blue eyes hypnotized teri kar diya mainu I swear choti dress mein warm lagdi si mainu I should have understood agar tum eye specialist banoge to yahi karoge। maine suna tumhari mummy cha rahi thi ki tum jo hai ladies tailor ban jao, ladkiyon ka petticoat blouse banao। बन गया था भाई, वो भी बन गया था। वो भी बन गए थे तुम जी। तो क्या हुआ? लक 28 कुड़ी दा 47 विस्ट कुड़ी दा कोल बुलावे सीने लावे करदा सी मैं विट कुड़ी दा। ओहो, एंड तुम्हारी बुआ की भी एक बड़ी मनोकामना तमन्ना थी
कि तुम जो है मौसम विभाग टेलीविजन पे प्रेजेंट करो जी, तो तुम चाह रहे थे, तुमने वो किया? किया था भाई। तो जब टीवी ऑन हुआ तुमसे कहा गया कि मौसम के बारे में बताओ, तो तुमने क्या किया? आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी जानी 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 आ जाओ ऑन द बीच यारा फोटो साड़ी खींच फूटी किस्मत होगी तेरी घर तूने ये बात न मानी। अरे यार कुछ तो बिना रैप के बोल दे यार तू। जैसे मेरा एक डायलॉग है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ये डायलॉग को तू यार बोल के सुना मुझे, मेरे होता है इसका रैप हो ही नहीं सकता। इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है पर तेरे डैडी ने मुझे तुझसे बचाने की कोशिश की है। We can do it. You can do this. Okay, life okay told me कि यहाँ पर जो भी हीरोज आज रात को आए उनसे ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए, उनके नाम के बारे में बात किया जाए, लेकिन वो कहाँ से हैं, किधर से हैं, उनकी जिंदगी, बिकॉज लाइफ ओके चैनल डील्स विद दैट, उनके अंदर की जिंदगी, पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ ना कुछ हमारी ऑडियंस को मालूम होना चाहिए, पता चलना चाहिए इवनिंग एंड होने से पहले। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यो यो हनी सिंह से कि हमें बताएं कि कहाँ से आए हो और कहाँ जाना चाहते हो भाई। डीजे क्रैक है।